हेलो। हेलो, कौन भाई साहब? हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कौन भैया? भैया मैं नीरज सिंह बोल रहा हूँ, जिला पंचायत से। जिला पंचायत से नीरज सिंह, मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी नंबर एक। दूसरा चाइल्ड सीओ राजकुमार त्रिपाठी का भतीजा बोल रहा हूँ। तीसरा आपके पाणे जी जो सदर सीओ, उनसे पूछिए रमेश चंद्र त्रिपाठी की गाड़ियाँ है जी। तीन आदमी से आप फोन करके पूछिए, मत रोकाइए नहीं आपका ठेका होगा। मैं आ जाऊंगा तो ठेका होगा सब आपको फेंकवा दूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी तीन गाड़ी पर्सनल है रमेश चंद्र, उसमें सब सरकारी नंबर लिखा हुआ है। आप बात कर लीजिए सदर सीओ से, बात कर लीजिए मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी से, बात कर लीजिए योगी जी के साथ 15 साल से चल रहे रमेश चंद्र त्रिपाठी सिक्योरिटी चीफ। अच्छा, और वो सरकारी नंबर सब लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको विश्वास न हो तो अशोक जाटव से भी पूछ लीजिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हम ही लोगों ने बनाया है। तो अशोक जाटव को सुनिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। जैसे आप अशोक जाटव जी से हैं तो उनसे थोड़ा कहला दीजिए हमें। मैं किसी से नहीं कहलाऊंगा, मेरी गाड़ियाँ निकलेगी। आपकी क्षमता हो तो आप मैनेजर से पैसा ले लीजिए बस, और कुछ नहीं होगा। अनिल सिंह, आपकी क्षमता हो तो मेरी गाड़ियों से पैसा लीजिए बस, और कुछ नहीं होगा। आप बार बार मैं आप कह रहा हूँ यार, तीन गाड़ियां ही निकल सकती है। हम मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी की भतीजा बोल रहा हूँ यार, तुमको बार बार उसमें नंबर लिखा हुआ सरकारी नंबर। देखिए पंडित जी, सबकी गाड़ियां दे रही हैं पंडित जी। सीओजी नंबर हम लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब प्लस हमारा जो चाचा है उसमें मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी है, उसमें देख लीजिए रमेश चंद्र त्रिपाठी लिखा हुआ है। अनिल सिंह, हमारे पास इतना पावर है कि हमारी गाड़ियों से यहाँ से प्रयागराज तक कोई देखता नहीं है हमारी गाड़ियों की। तो नहीं कहते उसमें, ऐसा करिए ना कि हम अपने ठेकेदार से बात करा देते हैं आपकी। मैं किसी ठेकेदार से नहीं बात करूंगा, महोबा का ठेकेदार ही मुझे अच्छी तरह जानता है भाई, उससे नहीं भाई फेस मुझे अच्छी तरह जानता है कि रमेश चंद्र त्रिपाठी का भतीजा है ये। उनसे आप बात कर लीजिए, मत रोकाइए नहीं। आपकी ये जो चार पर यह सब उड़ जाएगी, मैं ड्राइवर को कह दूंगा तो सब ये गाड़ी वाड़ी उड़ जाएगी तुम्हारी। अनिल सिंह, आपको लोकल रहना है, हमसे करिए बकवास मत करिए। नहीं ये कौन सी बात, देखिए आप गलत बोल रहे हैं पंडित जी। मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ अनिल सिंह, आप पता कर लीजिए। इन गाड़ियों से यहाँ से प्रयागराज तक कोई एंट्री नहीं मांगता, न सीओ साहब मांगे, न एसपी साहब, सब जानते सिक्योरिटी चीफ है उस समय, एसपी है रमेश चंद्र त्रिपाठी, एसपी सिक्योरिटी चीफ मुख्यमंत्री के, जो इस समय 10 साल से हैं उनके साथ चल रहे हैं, सिक्योरिटी में चल रहे हैं। हाँ। तो आप ये मत करिए कि आपका ठेका कैंसिल हो जाए। एक तो आपका ये फर्जी वसूल रहे हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है सब पता है हमको, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है हमको सब पता हुआ है। अगर फर्जी हो और हम लोगों से आप लोगों हम बता रहे हैं, आप देखो बाहरी हैं, हम लोग लोकल के हैं, हम लोगों से पंगा लेंगे अनिल सिंह तो आप यहाँ ठेका नहीं कर पाएंगे। तो एक दो आदमी को बख्शिए कि कम से कम आपकी हेल्प कर पाए, ठीक। जिस दिन भाई साहब जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा मोटर मालिकों के साथ, उस दिन कोई मोटर मालिक आपको पैसा नहीं देगा। जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ, मैं भी बोल नहीं रहा। जैसे आज मान लीजिए जो बातचीत हुई, जैसे अध्यक्ष होते हैं यहाँ के जो ट्रक यूनियन के, उनसे भी बात हो गई है। अरे रंजय मिश्रा है, रंजय मिश्रा सुन लो हमारी गाड़ी प्रयागराज में कोई डॉक्टर रंजय मिश्रा क्या है, कुछ नहीं है हमारे सामने, ठीक है भाई साहब। हमारे आगे रंजय मिश्रा पंजय मिश्रा कौन नहीं, मैं जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा इन ट्रक वालों के पास, उस दिन एक रुपए नहीं वसूल पाएंगे, ना आपका ठेकेदार वसूल पाएगा। भाई साहब मैं आपको प्रेम से कह रहा हूँ, अब बार बार मुझे परेशान न करिए, मैं आपको कह रहा हूँ। आपको विश्वास न हो तो यहाँ शीतला प्रसाद पांडे सीओ है, उनसे पूछ लीजिए रमेश चंद्र त्रिपाठी की गाड़ी है साहब, जाने दीजिए ना जाने। कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा काम है, इसमें काहे आप इतनी बड़ी स्पर्धा लगा रहे हैं। भाई साहब मैं इतने बड़े अधिकारी का भतीजा हूँ, मैं किसी ठेकेदार को नहीं मानता, मैं आपके जिला अध्यक्ष को भी, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी नहीं मानता। और बताइए मैं किससे फोन कराऊं, मैं किसी से नहीं कराऊंगा। मेरे पास वो क्षमता है कि मैं आपसे अकेले नहीं पढ़ सकता हूं। और बताइए आपकी क्षमता है तो मेरी गाड़ी मत रुकाइए अनिल सिंह, मैं आपको कह रहा हूं। आप नौकरी करते हैं 10-20 हजार 25 हजार की नौकरी करते होंगे, आप ऐसा मत करिए कि मैं आपको फालतू फंसा के आपको दूसरे मौके में डाल दूं, ठीक है। चलिए मैं देखिए बात कराता हूँ आपकी, आप उनसे थोड़ा मैं बात भाई साहब किसी की नहीं करूँ। मैं अपने ड्राइवर को कहूँ कि रख गाड़ी बढ़ा के आ, और जितने दो चार मरे तो मारता चला, मैं ये वाला आदमी हूँ। मैं आपसे प्रेम से करता हूँ। ये जो फोर व्हीलर आप मेरी गाड़ी के सामने लगा रहे हैं ना, ये फोर व्हीलर आपकी कोई वो नहीं है, बुलडोजर नहीं लग गया है, बात मान लीजिए। फोर व्हीलर वाली बात नहीं है पंडित जी, आपकी आप मेरी गाड़ी के सामने फोर व्हीलर लगा रहे हैं, मैं आपको ये सारी फोर व्हीलर आपकी उड़ जाएगी, बात मान लीजिए, मेरे को टेंशन न दीजिए। समझौते के हो रही है, समझौता आप लोग फर्जी वसूल रहे हैं यार।
फर्जी नहीं उसूल रहे हैं। देखिए ये तो एक साधना दे भाई साहब, पर डे आपके अपने इनको पर नहीं, मेरी 3 गाड़ियां चलती हैं, कुछ नहीं चलती है। आपको विश्वास नहीं है तो आप सीधे लखनऊ से भी बात कर सकते हैं। मेरे पास, मैं फर्जी नहीं बोल रहा, मेरे ड्राइवर के पास सरकारी नंबर लिखे हुए हैं, रमेश चंद्र त्रिपाठी और राजकुमार त्रिपाठी और आपके जो सदस्य हैं उनसे पूछ लीजिए कि रमेश चंद्र त्रिपाठी गाड़ी जा रहे हैं। फर्जी नहीं बोल रहा ना, मुझे फर्जी बताना है। आप सीधे वो नंबर मिला लीजिए, सीधे मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी से कांटेक्ट हो जाए तो बताना, ठीक है भाई साहब? अनिल सिंह, समझा आप मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप नहीं नहीं कुछ नहीं कहीं, रजिस्टर उठाइए, रजिस्टर से बात कर लीजिए। अच्छा, और आपके जो पांडे जी यहाँ सीओ हैं, सदर सीओ, उनके उन्हीं के अंडर में आपका ये आ रहा है, भरतपुर थाना इंचार्ज थाना आ रहा है, आपका चुरानपुर चौकी आ रही है, आप इन लोगों से भी बात कर लीजिए। अब बाकी मेरी गाड़ी आने दीजिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है, मैं बात की लेता हूँ। हाँ बात कर लीजिए, मेरे को किसी से बात न कराना, मैं आपसे बात नहीं आऊँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।